दोस्तों आज ये मेरे जीवन का पहला ब्लॉग है। आज से पहले मैंने कभी भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, आप अगर मुझे पहचानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा स्थान है, किस जगह का मतलब लोकेशन है। और मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और पढ़ाई की बात करें तो ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया है हिंदी मीडियम से। और YouTube पे मैं लगभग 6 वर्षों से काम कर रहा हूँ, और अलग अलग चैनल अलग अलग प्लेटफार्म पे मैंने काम किया है। और मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, मतलब घर का बैकग्राउंड जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उतना ज़्यादा मैं अमीर घर का तो नहीं हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे क्लास, जिसको लोअर क्लास बोलते हैं, उस क्लास से मैं आता हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि नॉलेज तो नहीं था पहले YouTube के बारे में। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा वॉच टाइम आ चुका है, लेकिन ये सब पहले नहीं था, ठीक है। और इसी जगह पे आप ये देख सकते हैं जो सुनसान वीरान जगह दिख रहा है पीछे खेत में, इसी जगह पे मैं आ करके वीडियोज को रिकॉर्ड करता था, अपना वीडियो शूट करता था, और आज भी मैं उसी जगह पे आया हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ। देखिए आप लोग कहोगे कि यार कैसे, देखो मैं बाइक से आया हूँ, बाइक पे बैठा था और मैंने सोचा कि आते आते एक ब्लॉग शूट कर लूं। देखिए ये जो खेत है ना, ये खेत आप देख रहे हैं, पहले मैं क्या करता था कि यहीं पे आ करके और अपना वीडियोज को रिकॉर्ड करता था, ठीक है। कोई साथ में नहीं होता था, क्या करता था मैं, वहां पे ना एक पुल है, वो कभी पुल पे जा करके बैठ जाता था, वो देखो पुल दिख रहा होगा आपको, उस पुल पे जा करके बैठ जाता था, मोबाइल को रख देता था और रख करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करता था, ठीक है। अच्छा, कभी खेतों में, यहाँ जो खेत देख रहे हैं, यहाँ एक नाला भी बहता हुआ है, तो इस नाले में भी, नाले का भी मेरा वीडियो मेरे चैनल्स पे पड़ी होगी। और जो खेत है, खेत में भी जा करके क्या करते थे, डंडे के सहारे उसको रख करके मोबाइल को, और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। अभी मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ना एक बाइक लेने के लिए, मेरा जो बाइक है ना ये काफी पुराना हो गया है, तो ये देखिए मेरे चैनल का लोगो भी लगा हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिए यार कि कौन सा बाइक मुझे लेना चाहिए, है ना, अभी के टाइम में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक नया बाइक ले लूँ, क्योंकि यार देखो जीवन का कोई भरोसा है नहीं, जो गाड़ी चलाना है जो भी करना है सब इसी जीवन में करना है, तो क्यों ना कुछ एक जो होता है ना शौक, हालांकि शौक तो नहीं है लेकिन फिर भी मन करता है एक बाइक लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही खंजाड़ा बाइक हो चुकी है, क्योंकि खंजाड़ा बाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चलाने में बड़ा दिक्कत होती है यार। अभी ना ये 2012 मॉडल है, और 12 मॉडल का गाड़ी कोई भी है, तो आप ये जानते होंगे कि 12 वाला जो मॉडल का गाड़ी होता है वो कितना ज्यादा वो हो चुका है कि नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइक ले लूँ नया सा। और एक बात और दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे सफलता पाना चाहते हैं, मेरे को देख करके या किसी को देख करके चैनल बना रखे हैं और सोच रहे हैं कि मैं भी वायरल हो जाऊं, बड़ा ही मजबूरी है उनके पास। तो देखिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं मोबाइल वाला यूट्यूबर आज 6 वर्षों से YouTube पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मैंने काम किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वायरल नहीं हुआ तो तेरा बाप वायरल करेगा, ऐसा ऐसा कमेंट लिखते हैं। जरा सोचिएगा मेरे भाई, आपके भी पिताजी होंगे जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, आप भी बिना बाप के तो पैदा हुए नहीं है, क्योंकि हर किसी का तो कोई ना कोई बाप होता ही होता है, तो ये बात बताने वाली कौन सी है, क्या मतलब तेरा बाप करेगा उसका बाप करेगा, ये कौन सा वर्ड है यार। अगर चाहें तो मैं भी आपको बहुत कुछ लिख सकता हूँ, बहुत कुछ उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपके जैसा मैं नहीं हूँ। तो मैं आपको इशारा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी को भी हेट कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिख करके और छोड़ करके चले जाओगे ये बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान फेस कर रहा है, जो इंसान आगे बढ़ रहा है ना, उससे जलन भाव मत रखो, उसको ये मत सोचो कि वो आगे बढ़ रहा है मैं गरीब रह गया, अरे कैसे गरीब रह जाओगे, मेहनत करो ना, उसका मुकाबला करो, उसका बराबरी करो, उससे आगे बढ़ो, वो तो चाहता है कि और आगे बढ़ो, तभी तो मैं बना रहा हूँ ना ऐसा वीडियो कि भैया आप ग्रो हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे, लेकिन आप जो है सीखना नहीं चाहते हो, आपको तो चाहिए शॉर्टकट तरीका, कोई ऐसा तरीका, तो आप क्या करोगे, गाली लिख के चले जाओगे कि भैया तेरा बाप करेगा तो तेरा वो करेगा, ये सब कोई अच्छी बात नहीं यार, ये शोभा नहीं देता है। मुझे देख करके पता नहीं कितने लोग चैनल बनाए हैं और वो चैनल ग्रो नहीं कर पाते हैं। देखो सबसे बड़ी जो रीजन है ना कि किसी सच इंसान को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे भी सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, ये सोच करके कि यार इसको क्या पता है, सब्सक्राइब करेंगे आगे बढ़ जाएगा, हम तो गरीब के गरीब रह जाएंगे, ये सब्सक्राइब करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। देखो ऐसी भावना रखोगे ना तो कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। मैं हर बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मोबाइल वाला यूट्यूबर जो चैनल है ना, मैं इस पर स्पॉन्सरशिप भी नहीं करता हूं, आप जाके चेक कर लेना,
ठीक है। और इसी टॉपिक पे मैंने एक किताब भी लिखा है, उस किताब का नाम है ना पैसा है ना नौकरी है क्या करें, है ना। तो उसको लोग खरीदते नहीं है, उसको उनको लगता है कि ये अगर खरीद लेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये पैसे कमा लेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उस किताब को पैसे के लिए नहीं बनाया हूं, वो मैंने अपना अनुभव, 6 वर्षों का अनुभव मैंने उसमें लिखा है। और आप उसको खरीद करके जरूर पढ़ना, मैं लिंक देता हूं बार बार कि भैया खरीद करके पढ़ो। जो भी आपका सवाल है, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, चैनल ग्रो कैसे होता है, कौन सा टाइटल लिखे, कैसे टैग लिखते हैं, क्या मतलब जितनी भी यूट्यूब के बारे में जानकारी है मैंने उस बुक में लिखा है। पूरा प्रैक्टिकल आपके साथ साक्षात बुक है, नोशन प्रेस से उसको पब्लिश करवाया हूं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके खरीदिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास मोबाइल फोन बढ़िया नहीं रहेगा, माइक बढ़िया नहीं रहेगा और आप अच्छे अच्छे वीडियोज नहीं बनाएंगे, तब तक आपका चैनल ग्रो होने वाला नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये सारा कुछ जो भी मैं यूज करता हूँ सारा मैं लिंक देता हूँ, जाओ खरीदो और खरीद करके अपना यार यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट करो। अरे देखो, मैं खेतों में से आ करके अपना स्टूडियो बनाया, घर बनाया, गाड़ी भी खरीदने वाला हूं, सब कुछ मैंने किया ना, आप भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप लोग सही इंसान को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, जा करके ऐसे ऐसे लोगों करोगे जो बोलेंगे 5 मिनट में सब्सक्राइब करो, 5 मिनट में बढ़ जाएगा, आप उनको जाकर के फॉलो करते हो, तो बताओ कैसे होगा। और अंत में ना एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, मेरा चैनल का नाम मोबाइल वाला यूट्यूबर है, आप विश्वास करो, मैं स्पॉन्सरशिप इसीलिए नहीं करता हूं ताकि आप एक यूट्यूबर बने। मैं आपको यूट्यूब के बारे में सिखाना चाहता हूं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए आप मेहनत कीजिएगा, मेहनत करेंगे ना तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। देखो, मैं अगर खेतों से आकर के अपना स्टूडियो बना सकता हूं, मतलब सब कुछ बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप भी कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस किसी सच्चे इंसान को आपको फॉलो करना होता है, उसके बातों को मतलब सीखना होता है कि कैसे कैसे वो क्या करते हैं, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे जाके वो वीडियो शूट करते हैं। जब तक ये सब आपको पता नहीं लगेगा तब तक आप ग्रो होने वाले नहीं हो। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताया ये सब बातों को आप फॉलो करेंगे, और गारंटी है आप देख लेना ये वीडियोज वायरल भी हो जाएगी, मैं जानता हूं। तो मैंने इसमें क्या ऐसा किया है, क्या मतलब ट्रिक लगाया है कि क्या किया है, ये 100% जेन्युइन आपको दिख रहा होगा। तो जब ये वायरल हो जाएगी तो मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा कि कैसे इस पे मैंने काम किया, क्या मैंने दिमाग लगाया, कैसे ये वायरल हो गया, ये सारा कुछ मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा यार कि यदि आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं ना तो आप भी जल्दी से ग्रो हो जाए यार, जल्दी से यूट्यूब से पैसा कमाए, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने जो कुर्बानियां दे रहा हूँ कि भैया स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी मैं मतलब नहीं करता हूँ, सिर्फ अच्छा अच्छा कॉन्टेंट, सच कॉन्टेंट देता हूँ, तो ये मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।